नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी खुद की प्रकृति क्या है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको अलग अलग प्रकृतियों में उन व्यक्तियों में लक्षण आपको क्या क्या दिखेंगे या उनकी क्या विशेषता होगी, उनमें क्या समस्याएं हो सकती है या उन समस्याओं के लिए आप कौन से उपाय कर सकते हैं, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो आपको आखिर तक देखना ज़रूरी है। अब देखिए, आयुर्वेद की संहिताओं में प्रकृति के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। प्रकृति परीक्षण ये आयुर्वेद का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रकृति यानी क्या। तो प्रकृति यानी हमारा सहज भाव, हमारा स्वभाव, हमारी स्वस्थिति। आयुर्वेद में बताया हुआ है देहस्य सहज लक्षणम। तो हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होगी। जैसे एक ही फैमिली में अलग अलग लोग हैं तो सबकी प्रकृति अलग अलग होगी। ये प्रकृति कब बनती है, तो जब गर्भावस्था में वो बच्चा है तो उसी समय पे उसकी प्रकृति का निर्धारण होता है और वो पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहती है। क्या हम अपनी प्रकृति को बदल सकते हैं, तो जी नहीं, हम अपनी प्रकृति को नहीं बदल सकते। फिर अगर हम इसे बदल ही नहीं सकते तो इसे जानने से क्या फ़ायदा है। तो हमें इसलिए जानना ज़रूरी है ताकि हमारी जो प्रकृति है वो विकृति में ना बदले। अब एक उदाहरण लेके इसको समझते हैं। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति की पित्त प्रकृति है ना, तो ये पित्त प्रकृति उसका स्वभाव, उसका सहज भाव है। लेकिन अगर ये व्यक्ति युवा है, यानी अगर ये यंग है, तो ये जो युवावस्था है ये भी उम्र के अनुसार पित्त प्रधान काल है, तो ये पित्त दोष थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इसके साथ ही अगर उस व्यक्ति की जो टेस्ट है, यानी उसे अगर तीखी, मसालेदार, फ्राइड ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो ये सभी चीज़ें पित्त को बढ़ाएगी, तो ये पित्त और ज़्यादा बढ़ेगा। इसके साथ ही जब शरद ऋतु रहेगा, यानी ये पित्त के प्रकोप का काल है, इस तरह का अगर ये ऋतु रहेगा तो पित्त और भी ज़्यादा बढ़ेगा। इस तरह से जो ये पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए उसकी अपनी प्रकृति, उसका अपना स्वभाव, जो उसके लिए बहुत नेचुरल, बहुत सहज था, अभी वो विकृति का कारण बनेगा। तो इस तरह से उसकी खुद की प्रकृति विकृति में बदलेगी और फिर उसे इस विकृत पित्त के कारण भी काफ़ी सारी बीमारियां दिखाई देंगी। आयुर्वेद की संहिताओं में पित्त के कारण होने वाली 40 तरह की बीमारियां बताई हुई है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को खुद की प्रकृति के बारे में पता होता तो वो खुद की प्रकृति के अनुसार अपने खान पान में, शारीरिक क्रियाओं में कुछ सावधानी लेता था। तो इस तरह से हमें प्रकृति के बारे में अगर पता है तो ये चीज़ हमें मदद करती है। खास करके आयुर्वेद में जब चिकित्सा भी दी जाती है तो वो भी प्रकृति के अनुसार दी जाती है। यहाँ तक कि जो पंचकर्म चिकित्सा दी जाती है वो भी जो हमारी प्रकृति है उसके अनुसार दी जाती है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार प्रकृति को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे, तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आयुर्वेद की संहिताओं में जो प्रकृति का क्लासिफिकेशन, यानी जो इसका वर्गीकरण दिया हुआ है, वो प्रधानतः दो इसमें उसको डिवाइड किया गया है। एक है दोष प्रकृति या शारीर प्रकृति, दूसरी है मानस प्रकृति। तो मानस प्रकृति के भी फिर से तीन प्रकार है, सात्विक, राजस और तामस। और ये जो दोष प्रकृति है इसके फिर से सात प्रकार है। इसमें एकदोषज तीन, द्वंद्वज तीन और त्रिदोषज एक, इस तरह से ये सात प्रकार है। एकदोषज में वातज, पित्तज, कफज। द्वंद्वज या दो दोषों के कारण जो प्रकृति बनती है उसमें वात पित्तज, वात कफज और कफ पित्तज, ऐसे तीन प्रकार है। और एक है तीनों दोषों की बनी, यानी त्रिदोषज प्रकृति। अब हर एक प्रकृति में तीनों दोष रहेंगे, यानी वात, पित्त, कफ सभी प्रकृतियों में रहने वाले। लेकिन उसमें जिन दोषों की अधिकता है या जिनका डोमिनेंस है, जैसे कि वात की प्रधानता है तो हम कहेंगे कि वात प्रकृति है। उसमें भी जो पित्त और कफ है वो भी रहेंगे लेकिन वो कम रहेंगे। इस तरह से प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हर एक प्रकृति की अपनी विशेषता क्या है, आप कैसे अपनी खुद की प्रकृति पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम वात प्रकृति के बारे में जानेंगे। वात प्रकृति के व्यक्तियों का शरीर पतला रहेगा, इनका वेट कम रहेगा। वजन को बढ़ाने के लिए सारे उपाय करने के बाद भी वजन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रकृति का खुद का स्वभाव है कि वात में लघु गुण है, यानी उसमें हल्कापन है। इसके साथ ही वात में रुखापन भी है, यानी
रुक्षता उसमें है, इसीलिए इन लोगों की जो त्वचा है, त्वचा में रूखापन रहेगा यानी ड्राइनेस रहेगा, बालों में रूखापन रहेगा, बालों में इस रूखेपन के कारण बालों का झड़ना या टूटना ये ज़्यादा रहेगा। इसके साथ ही उनकी आवाज़ में भी रूखापन रहेगा यानी जो आवाज़ में एक सॉफ्टनेस है वो नहीं रहेगी। हड्डियों में भी वात के बढ़ने के कारण दर्द भी दिखाई देगा। अब देखिए रूखापन बढ़ने के कारण ये स्निग्ध खून कम हुआ है, इसलिए वहाँ पे जो लुब्रिकेशन है वो भी कम हुआ है, तो इसीलिए चलते समय हड्डियों में से आवाज़ आना या शरीर में कहीं ना कहीं दर्द दिखाई देना, अकड़न लगना, तो इस तरह के सिम्टम्स भी दिखाई देंगे। वात का और एक गुण है वो है शीत गुण यानी ठंडापन, तो इन लोगों को ठंडी सहन नहीं होगी, ठंडी का मौसम भी अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ तक कि जो ठंडा खान पान है वो भी सहन नहीं होगा। इनको गर्मियों का मौसम है या थोड़ा सा गर्म खाना है ज़्यादा सूट करेगा। वात प्रकृति के लोगों का जो अग्नि है यानी जो उनका जठराग्नि है तो उसमें भी विषमता रहेगी, तो इन लोगों को कभी भूख बहुत अच्छी लगेगी, कभी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, इस तरह से अग्नि में विषमता रहेगी। इनका जो कोष्ठ है वो क्रूर कोष्ठ बताया गया है यानी इनको पेट साफ होने की जो प्रोसेस है वो इतनी अच्छे से नहीं होगी, काफ़ी बार कब्ज रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा उनको, या फिर मल बहुत ज़्यादा हार्ड बनना, इस तरह के लक्षण दिखाई देंगे। इनमें पेट में बहुत ज़्यादा गैस लगना या ब्लोटिंग जैसे लगना, बहुत डकारे आना, इस तरह की भी समस्याएँ हो सकती है। इन लोगों की जो मानसिक स्थिति है उसमें भी थोड़ी सी अस्थिरता रहेगी क्योंकि वात में चंचलता ये गुण है, अस्थिरता है, तो इनका मन शांत स्टेबल नहीं रहेगा, इनमें कॉन्सेंट्रेशन की एकाग्रता की कमी रहेगी, इनमें हर बात की जल्दबाजी रहेगी यानी हर काम को करने की उनमें जल्दी रहेगी, हड़बड़ाहट रहेगी, इनका बोलना भी बहुत ज़्यादा रहेगा या सोचना बहुत ज़्यादा रहेगा, इनमें नींद के भी इश्यूज़ रहेंगे, इतनी अच्छी नींद नहीं आएगी, सोने के बाद भी बीच में इनकी थोड़े से भी आवाज़ से नींद खुल जाएंगी। इन लोगों में जो एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो भी कम रहेगी, तो इस तरह से वात प्रकृति के लोगों में शारीरिक लक्षण और इस तरह की समस्याएं भी दिखाई देगी। वात को कम करने के लिए जो उपाय आयुर्वेद की संहिताओं में बताए गए हैं तो उसमें सबसे पहला जो उपाय है वो है स्नेहन। अब देखिए ये जो वात बढ़ा हुआ है यानी उसका रूखापन बढ़ा हुआ है, तो इस रूखेपन को कम करने के लिए हमें स्निग्धता की ज़रूरत है, तो ये जो स्नेहन है वो दो तरह से करना है, एक है स्नेहपान यानी आभ्यंतर स्नेहपान और दूसरा है बाह्य स्नेहन यानी बाहर से इसे लगाना है। तो आभ्यंतर स्नेहपान में आप तेल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल में भी जो तिल का तेल है वो बहुत अच्छा है क्योंकि ये जो तिल का तेल है इसमें स्निग्धता भी है और ये हल्का गर्म नेचर का भी है, तो वात का जो शीत गुण यानी वात का जो ठंडापन है उसको भी वो कम करेगा, वात के रूखेपन को कम करेगा। तिल के तेल के साथ ही आप जो मूंगफली का तेल है या सरसों का तेल है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही बाह्य स्नेहन भी करना यानी बाहर से भी तेल की मालिश ज़रूर करनी है। इसके लिए तिल का तेल आप गर्म करके लगा सकते हैं या फिर तिल के तेल में नारायण तेल, महानारायण तेल या फिर शीरबला तेल, इस तरह की जो मेडिकेटेड ऑयल्स है वो भी आप इसमें मिला के उससे भी आप अभ्यंग कर सकते हैं। अब देखिए आयुर्वेद में अभ्यंग का बहुत ज़्यादा महत्व दिया हुआ है, जो एक श्लोक वाग्भट ऋषि ने दिया है वो कहते हैं अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जरा श्रम वातः, यानी अगर आप ये हर रोज़ आप ये अभ्यंग करते हैं, शरीर पर तेल लगाते तो इसके आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। इसमें वो एक शब्द उन्होंने दिया है वातः यानी ये वात को कम करने वाला, वात के कारण होने वाले सभी विकारों को कम करने वाला है, इस तरह से स्नेहन के आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। इसके बाद है स्वेदन यानी सेक देना, तो ये भी एक बहुत अच्छी चिकित्सा है। इसके साथ ही मर्दन चिकित्सा यानी हाथों पैरों को दबाना है या वेष्टन यानी जैसे हम पट्टी बांधते हैं, तो ये सभी उपाय वात को कम करने के लिए बहुत अच्छे हैं। खाने में भी तीन स्वाद आपने ज़रूर रखने हैं, तो ये तीन स्वाद है मीठा, खट्टा और खारा। अब देखिए आयुर्वेद में षड्रस बताए हुए हैं, तो इसमें मधुर, अम्ल, लवण, ये जो तीन स्वाद है ये वात को कम करने वाले हैं, तो आपके खाने में ये तीनों स्वाद ज़रूर आप रखिए। और जो खाना है वो ताज़ा है, हल्का और हल्का गर्म, इसी तरह का खाना आपने रखना है जिसमें स्निग्धता भी हो, क्योंकि ये जो स्निग्धता है या जो खाना गर्म है तो ये सभी वात को कम करने के लिए मदद करेंगे।
यहाँ तक कि जो आयुर्वेद में आसावरिष्ट इस तरह की जो औषधियाँ बताई जाती है तो वो भी बहुत अच्छी है, जैसे कि अश्वगंधारिष्ट है, दशमूलारिष्ट या बलारिष्ट। तो ये सभी औषधियाँ भी वात को कम करने के लिए बहुत अच्छी है। वात प्रकृति के लोगों ने कुछ सावधानी भी लेनी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या व्यायाम करना भी वायु को बढ़ा सकता है, क्योंकि इस तरह की जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी है वो शरीर में वात दोष को बढ़ाती है। तो उन्होंने थोड़ी सी सावधानी लेनी है, वो हल्के फुल्के व्यायाम कर सकते हैं, यहाँ तक कि प्राणायाम है, ओंकार है, ध्यान है, वो भी वो कर सकते हैं, क्योंकि जो मन की अस्थिरता है या मन का चंचलता ये गुण बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए ये प्राणायाम उनको मदद करेगा। इन लोगों की जो तकलीफ़ है वो वर्षा ऋतु में यानी बारिश के ऋतु में और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये जो सीज़न है ये वात के प्रकोप का सीज़न है। तो इस समय पे ये जो वात दोष है वो निसर्गतः बढ़ता है, तो इस समय पे उन लोगों ने थोड़ी सी ज़्यादा सावधानी लेनी है। आयुर्वेद में जो बस्ती चिकित्सा बताई जाती है वो भी इसी समय पे कराई जाती है। अगर इन लोगों के शरीर में ये वात दोष बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो बस्ती चिकित्सा भी कर सकते हैं। बस्ती के बारे में भी डिटेल वीडियो है, तो वो भी आप देख सकते हैं। पित्त प्रकृति के जो व्यक्ति है उनका शारीरिक बल मध्यम रहेगा। इन लोगों की जो त्वचा है वो गौर वर्ण की रहेगी, यानी ये लोग गोरे रहेंगे। अब देखिए, इनमें त्वचा से संबंधित भी कुछ समस्याएं दिखाई देंगी। ये जो पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त के कारण शरीर में गर्मी भी ज़्यादा रहेगी, इसीलिए उनकी त्वचा में जलन जैसे होना या बहुत ज़्यादा पसीना आना, पसीने को बहुत दुर्गंधी रहना, इस तरह के लक्षण दिखेंगे, या फिर त्वचा में झुर्रियाँ बहुत जल्दी पड़ना या त्वचा में बहुत ज़्यादा तिल आना, ये भी समस्या इन लोगों में दिखाई देंगी। इनके बाल वैसे तो अच्छे रहेंगे, थोड़े से पतले रहेंगे, लेकिन इनमें बालों का झड़ना या बालों का जल्दी सफ़ेद होना ये भी समस्या दिखाई देंगी। इन लोगों का जो अग्नि है यानी जो जठराग्नि है वो तीक्ष्ण रहेगा, तो इनको भूख बहुत अच्छी रहेगी, प्यास भी उनको ज़्यादा लगेगी, और इनका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा, यानी प्रॉपर खाना खाने के बाद भी उस खाने का ये जल्दी से पचन करेंगे, तो इनकी भूख बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन इन लोगों में अगर ये पित्त दोष बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो पित्त के बढ़ने के कारण इनको एसिडिटी होना या रिफ्लक्स होना, हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा जलन होना, इस तरह की काफ़ी सारी समस्याएँ भी दिखाई देंगी। पित्त प्रकृति के जो व्यक्ति है वो बुद्धिमानी रहेंगे, ये स्वाभिमानी भी रहेंगे, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहेगी, ये अच्छे वक्ता रहेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा इनमें गुस्सा ज़्यादा आना या थोड़ा इरिटेशन लगना या थोड़ा सा ये डोमिनेटिंग टाइप के रहेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनमें साहस बहुत रहेगा, वो बहुत साहसी रहेंगे या इनमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं रहेगा, उल्टा दूसरों की रक्षा करने के लिए भी वो तत्पर रहेंगे। तो इस तरह के मानसिक लक्षण भी हमें पित्त प्रकृति के लोगों में दिखाई देंगे। पित्त प्रकृति के लोगों ने खान पान में भी थोड़ी सी सावधानी लेनी है, तो इनमें फ्राइड चीज़ें या फिर जो बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें हैं या फर्मेंटेड है, बेकरी का है या जंक की जितनी भी कैटेगरीज है वो कम करनी है, यहाँ तक कि चाय कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन है या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेना, इनको भी बहुत ही कम करना है, या अगर आप इसे नहीं लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही आपने खाने का जो आपका समय है वो कभी भी स्किप नहीं करना है, अगर आपको भूख लगी है तो आपने उसको अवॉइड नहीं करना है, ना तो बहुत ज़्यादा उपवास वगैरह करना है, क्योंकि इस तरह से अगर आप करते हैं तो ये पित्त दोष और ज़्यादा बढ़ेगा और फिर उसके कारण आपको तकलीफ हो सकती है। इन लोगों ने खाने में तीन स्वाद जरूर रखने हैं, तो इसमें कहा गया है कि कषाय तिक्त मधुर, ये तीनों स्वाद जो है ये पित्त को कम करते हैं, यानी जो कसेला स्वाद है, कड़वा और मीठा, तो ये तीन रस या तीन स्वाद शरीर में पित्त दोष को कम करते हैं। तो इनसे बनी जो भी चीजें हैं वो आप खाने में जरूर रख सकते हैं। जो गाय का घी है वो वात और पित्त इन दोनों को कम करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है, तो आप शुद्ध जो देसी गाय का घी है वो आप ज़रूर ले। इसके साथ ही जो गाय का दूध है वो भी आप ले सकते हैं, घर में बना हुआ जो मक्खन है वो भी आप ले सकते हैं, इसको आप मिश्री के साथ भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि जो आंवला है तो आंवले का जो मुरब्बा है या कैंडी है वो भी आप ले सकते हैं, या जो फिर काला मुनक्का है तो उसको रात को पानी में भिगो के सुबह आप उसे ले सकते हैं, यहाँ तक कि जो गुलकंद वगैरह है, तो ये सभी चीज़ें शरीर में बढ़े हुए इस पित्त को कम करने वाली है, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है। जो शरद ऋतु है वो पित्त के प्रकोप का समय है, इस समय पे आपने ज़्यादा सावधानी लेनी है। अगर ये बहुत ज़्यादा पित्त आपके शरीर में बढ़ता है
तो इस शरद ऋतु में विरेचन और रक्तमोक्षण चिकित्सा यानी जो आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा बताई हुई है ये आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी दिनों में आपने खान पान से संबंधित या जो आपकी शारीरिक क्रिया है उनसे संबंधित थोड़ी सी सावधानी लेनी है। रात को आपने देर तक नहीं जागना है, क्योंकि अगर आप रात को जागते हैं तो इससे भी शरीर में ये पित्त दोष बढ़ता है, तो इस तरह से थोड़ी सी सावधानी आपने लेनी है। कफ प्रकृति के जो लोग हैं उनका शरीर मजबूत रहेगा, यानी इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी रहेगी, इनका वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा या वेट बढ़ने की टेंडेंसी भी रहेगी। इनकी जो त्वचा है तो त्वचा में बहुत अच्छी स्निग्धता रहेगी, एक सॉफ्ट ऐसी उनकी त्वचा रहेगी। इनके बाल भी अच्छे रहेंगे, बालों में भी स्निग्धता रहेगी, यानी बाल काले लंबे इस तरह से बहुत अच्छे इनके बाल रहेंगे। इनकी वाणी में भी एक मिठास रहेगी, उनका सॉफ्ट वॉइस रहेगा। ये लोग बहुत शांत स्वभाव के रहेंगे, यानी प्रतिकूल परिस्थिति में भी ये शांत रहेंगे। ये थोड़ा सा कम बात करेंगे, अच्छे से दूसरों की बात को समझ लेंगे, लेकिन इनमें थोड़ा सा आलस भी कभी कभी दिखाई देगा। फिजिकल एक्टिविटी करने का इतना मन नहीं करेगा, उल्टा सोना वगैरह इनको ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आलस भी इनमें रहेगा। कफ प्रकृति के लोग समाधानी रहेंगे, यानी इनमें सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा रहेगा। इनकी जो मेमोरी है, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता ये बहुत अच्छे से रहेगी। ये हर काम सोच समझ के करेंगे, यानी इनमें जल्दबाजी नहीं रहेगी, अच्छी तरह से सोच के ही ये काम को आगे बढ़ाएंगे। इनके दोस्त भी काफ़ी सारे रहेंगे, दूसरों की मदद करने के लिए भी ये आगे आएंगे, तो इस तरह से ये मेंटली इमोशनली बहुत स्ट्रांग स्टेबल रहेंगे। लेकिन इन लोगों में जो अभी ये कफ प्रकृति है, तो अगर कफ प्रकोपक आहार विहार यानी कफ को बहुत बढ़ाने वाली ऐसी चीज़ें, जैसे कि ये लोग अगर बहुत फ्राइड चीज़ें लेते हैं या फैटी फूड है, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ है, तो ये इनके शरीर में कफ और ज़्यादा बढ़ाएगी। इसके साथ ही अगर इनमें दिवा स्वाप यानी दिन में सोने की अगर इन लोगों को आदत है, तो ये भी इनके शरीर में कफ को बढ़ाएगी, और फिर इनके कारण कफ से संबंधित जो बीमारियां है, जैसे कि बार बार सर्दी खांसी होना है, या फिर ओबेसिटी जैसी तकलीफ है, या डायबिटीज जैसी जिसे आयुर्वेद में प्रमेह कहा गया है, तो प्रमेह कफ के कारण ही होने वाली एक बीमारी है, तो इस तरह की कुछ बीमारियाँ या कुछ समस्याएँ भी इन लोगों में दिखाई देंगी। कफ प्रकृति के लोगों ने खाने में तीन स्वाद जरूर रखने हैं, तो इसमें है कटु तिक्ता कषाय स्वाद, यानी जो तीखी चीज़ें हैं या जो कड़वी कसेली चीज़ें हैं, इन लोगों ने खाने में इसे ज़रूर रखना है। अब देखिए, खाने में हम जो मसाले यूज़ करते हैं, तो इन मसालों में ये गर्म तासीर के यानी इसमें उष्ण गुण रहता है, तो ये उष्णता के कारण ये जो कफ प्रकृति के लोगों में ठंडापन है यानी जो शीत गुण बढ़ा हुआ है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये सभी मसाले आपको मदद करेंगे। यहाँ तक कि जो त्रिकटु चूर्ण है यानी सोंठ, काली मिर्च, पिपली, इनको समान मात्रा में लेके इससे जो चूर्ण बनता है, तो वो चूर्ण भी आप ले सकते हैं। आप इसे खाने के आधा घंटा पहले ले, इससे आपका अग्नि बढ़ने के लिए मदद मिलेगी। अब देखिए, कफ प्रकृति के लोगों में अग्नि मंद है, इनको भूख भी कम रहेगी या फिर डाइजेशन के लिए भी थोड़ा सा समय लगेगा। ये तो जो ये त्रिकटु चूर्ण है या जो मसालों की चीज़ें हैं, तो ये सभी आपके अग्नि को बढ़ाने के लिए मदद करेंगी। इनमें जैसे कि जौ की रोटी है, तो ये भी मदद करेगी, या फिर जो भुना हुआ चना है वो लोग ये ले सकते हैं, या मिलेट्स की रोटी भी ये ले सकते हैं। अब देखिए, मिलेट्स में रूखापन है, तो ये जो कफ के कारण जो बहुत ज़्यादा स्निग्धता है, तो इस स्निग्धता को कम करने के लिए भी ये मिलेट्स मदद करेंगे। शहद भी कफ को कम करने के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है, तो इसमें भी पुराना जो शहद है वो सबसे अच्छा है, लेकिन इस शहद को कभी भी गर्म पानी के साथ नहीं लेना है, क्योंकि इस तरह से अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। हमने इस पर भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो शहद को अगर लेना है, तो पानी को गर्म करके उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके उसके साथ आप शहद ले सकते हैं। तो शहद कफ को कम करता है, शरीर में जो अतिरिक्त क्लेद है उसको भी ये कम करने के लिए मदद करता है। जो कफ प्रकृति के लोग हैं वो उपवास भी कर सकते हैं, तो उपवास करने से भी शरीर में ये हल्कापन बढ़ने के लिए अच्छी मदद मिलती है। इसके साथ ही उनमें फिजिकल एक्टिविटी या व्यायाम भी आप अगर करते हैं,
तो इससे भी आपको बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। आयुर्वेद में जो उद्वर्तन या उपटन बताया है, इसमें भी रुक्ष उद्वर्तन जो बताया है, यानी जैसे कि जौ का आटा है या त्रिफला चूर्ण है, तो इसको थोड़ा सा तेल डाल के भी आप शरीर पे इससे आप ये उपटन कर सकते हैं। इससे भी अतिरिक्त जो कफ दोष है या जो मेद धातु बढ़ा हुआ है, इसको कम करने के लिए बहुत अच्छी मदद मिलेगी। और जो वसंत ऋतु है, यानी जो कफ के प्रकोप का समय है, इस समय पे आप वमन ये पंचकर्म कर सकते हैं। इससे भी शरीर में बढ़ा हुआ ये बहुत ज़्यादा कफ है, इसको निकालने के लिए भी मदद होगी। जो द्वंद्वज प्रकृति है, यानी दो दोषों के डोमिनेंस के कारण होने वाली जो प्रकृति है, या त्रिदोषज प्रकृति यानी जिसमें तीनों दोष रहेंगे, तो इनमें इन दोषों के अनुसार आपको लक्षण दिखाई देंगे या समस्याएं भी उस तरह से दिखाई देंगी। और इनकी चिकित्सा या इनमें जो उपाय किए जाते हैं वो भी उनके अनुसार ही किए जाएंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो में हमने जो भी बातें आपको बताई वो आपको आपकी प्रकृति कैसी है ये समझने के लिए मदद ज़रूर करेगी, और उसके अनुसार आपने खुद क्या सावधानी लेनी है ये तय करने में भी ये वीडियो आपकी मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि सही आयुर्वेद आपको पता चले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।